टाटा ग्रुप का कारोबार यूं तो बहुत बड़ा है, इसमें भी ग्रुप और खरीदारी कर नए डायमेंशंस को ऐड करता रहता है। जैसे हाल में ही टाटा ग्रुप की TCPL यानी टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड ने एक नहीं दो नई शॉपिंग करने की योजना बनाई है, जिसमें से एक पूरी भी कर ली गई है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस ब्रांड को, नाम है चिंग्स चाइनीज नूडल्स। कुछ ध्यान आया? जी हाँ, चिंग्स नूडल्स बेचने वाली कंपनी कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स ने डील साइन कर दी है। ये डील तकरीबन 5,100 करोड़ रुपए में पूरी की गई है। टाटा कंज्यूमर ने एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान शुक्रवार 12 जनवरी को इसकी जानकारी साझा की। कैपिटल फूड्स दो ब्रांड के तहत अपने फूड्स की बिक्री करती है, जिसमें चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स शामिल है। चिंग्स सीक्रेट के तहत कंपनी हाका नूडल, सेजवान चटनी, फ्लेवर्ड इंस्टेंट नूडल्स और चिली विनेगर बेचती है। वहीं स्मिथ एंड जोन्स ब्रांड के तहत अदरक लहसुन का पेस्ट, पास्ता मसाला, पेरी पेरी मसाला, सोया वड़ी न्यूट्री मसाला, मटर पनीर मसाला और शाही पनीर मसाला बेचे जाते हैं। दूसरी ओर टाटा कंज्यूमर ऑर्गेनिक हर्बल और आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स फर्म ऑर्गेनिक इंडिया का अधिग्रहण भी कंपनी कर सकती है। जानकारी के अनुसार इस डील के लिए दोनों कंपनियों के बीच अभी बातचीत चल रही है। अगर सब ठीक रहा तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जल्द फैब इंडिया से 1800 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर ऑर्गेनिक्स इंडिया को खरीदने की घोषणा कर सकती है। फैब इंडिया के पास ऑर्गेनिक इंडिया में 64% की हिस्सेदारी है, जो हजारों छोटे किसानों के साथ मिलकर काम करती है। ऑर्गेनिक इंडिया चाय इन्फ्यूजन, हर्बल सप्लीमेंट्स, स्टेपल एंड पैकेज्ड फूड्स और पर्सनल केयर के साथ कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। टाटा ग्रुप के इस डायवर्जन में कंपनी के पास पहले से ही कई ब्रांड्स मौजूद हैं। टाटा कंज्यूमर के पोर्टफोलियो में टी, कॉफी, लिक्विड बेवरेज और फूड्स शामिल हैं। टाटा कंज्यूमर्स यूके की चाय कंपनी टेटली का भी मालिक है और स्टारबक्स के साथ भी टाटा की साझेदारी है। आपको बता दें, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टाटा ग्रुप की 7वीं ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ रुपए के पार है। बीते साल 29 दिसंबर को ही कंपनी का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ के पार हुआ था। इस खबर के बीच टाटा कंज्यूमर्स के शेयर ने भी रफ्तार पकड़ी है। शुक्रवार 12 जनवरी टाटा कंज्यूमर्स का ओपन 1,125 रुपए पर हुआ था, 12 जनवरी का हाई 1,165 रुपए का रहा और शुक्रवार 12 जनवरी टाटा कंज्यूमर का बंद भाव 1,154 रुपए का रहा। कमाल की बात यह रही कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने शुक्रवार 12 जनवरी को ही 1,165.55 रुपए के स्तर पर अपना 52वीं का हाई बना दिया। पिछले एक साल में टाटा कंज्यूमर्स के शेयर में 48% से ज्यादा की तेजी देखी गई है और इस तेजी के साथ टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप 1.08 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। अब देखना होगा टाटा कंज्यूमर के शेयरों में ये खबर आगे और कितने सत्र तक रफ्तार बनाए रखती है।